हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल कम समय में बैंगन भरवा मसालेदार सब्जी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और ये कम समय में बनके तैयार हो जाती है। और इसमें जो मसाला यूज करेंगे एकदम यूनिक तरीके से इसे बनाएंगे, तो आप वीडियो को फुल वॉच करें। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं जल्दी से इस बैंगन भरवा मसालेदार सब्जी को बनाने के लिए। दोस्तों, हमने यहाँ पे छोटे वाले बैंगन ले लिया है, तो आपको यहाँ पे छोटे वाले बैंगन लेना है। तो यहाँ पे एकदम ताज़ा छोटे वाले बैंगन ले लिए हैं। ये बैंगन खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो दोस्तों, इसका हम कुकर में भरवा सब्जी बनाएंगे। वो तो दोस्तों, इसका हमें ये जो डंठल है इसे हमें काट लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके से काट लेना है और इसका जो ऊपर का ये लिप्स है इसे हम हटा लेंगे। इसमें कांटे होते हैं, तो इस कांटे को हम हटा के बनाएंगे। और बैंगन को इस तरीके से हम इसमें चार चीरा लगा लेंगे। तो दोस्तों, हमें बैंगन को इस तरीके से काटना है और इसे इसी में ज्वाइंट रहने देना है। अब हमने यहाँ पे पानी ले लिया है, पानी में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डाल के इस पानी में रखने से ये काला नहीं पड़ता और ये सॉफ्ट बना रहता है, तो इसे हम इसी में डाल देंगे। इस तरीके से हम सारे बैंगन को काट के तैयार करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने सारे बैंगन को इस तरीके से काट के तैयार कर लिया है, तो इसे अब हम पानी में ही छोड़ देंगे और इसके लिए हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे इस तरीके का अदरक कूटने वाला खल ले लिया है, इसी में हम मसाला को तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच भुना हुआ मूंगफली ले लिया है और हमने यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच गाठिया नमकीन ले लिया है। अगर आपके पास कोई सेव हो तो आप उसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इन सबको अच्छी तरह से पहले कूट लेंगे। दोस्तों, हमने इसे दरदरा सा कूट लिया है और जो भी मोटा रह जाएगा इसे हम काटा चम्मच से इस तरह से निकाल के कूटेंगे तो एकदम आराम से कूट जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एकदम दरदरा सा कूट गया है। एक छोटा टुकड़ा प्याज को बारीक काट के डालेंगे और 4 से 5 हमने यहाँ पे लहसुन की कलियाँ ले लिया है और हमने यहाँ पे 1 छोटे साइज का टमाटर को बारीक काट के ले लिया है। और दोस्तों, हमने यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक काट के ले लिया है। आप तीखा अपने पसंद का कम ज़्यादा कर सकते हो। अदरक को ग्रेट करके ले लिया है। 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा ले लिया है। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च ले लिया है। ये कलर देता है, ये तीखा नहीं होता है। तो दोस्तों, अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। तो नमक आप स्वाद अनुसार ही डालें। हमने यहाँ पे 1 नींबू जूस को निचोड़ के ले लिया है, तो यहाँ पे आप 1 नींबू जूस डालें। अब हम सभी मसालों को इसमें कूट लेंगे। तो यहाँ पे सभी चीज़ मिक्स हो गया है। अब हम दोस्तों बैंगन को पानी से इस तरीके से निकाल लेंगे निचोड़ के। तो दोस्तों, बैंगन को हमने पानी से निकाल लिया है और इसे हमने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। यहाँ पे बैंगन ले लिया है और बैंगन में मसाले को हम इस तरीके से इसमें दबा के भर देंगे। बैंगन में मसालों को हमें इसमें अच्छी तरह से भर लेना है और इसे हमें इस तरीके से दबा लेना है और इसे हम 1 प्लेट में रखते जाएंगे। तो दोस्तों, हमें इसी तरीके से सारे बैंगन में मसाले को भर लेना है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे सारे बैंगन को भर के तैयार कर लिया है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। दोस्तों, अब हम इसमें 3 बड़ा चम्मच सरसों तेल डालेंगे। दोस्तों, यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम 1 छोटा चम्मच काली वाली राई डालेंगे। 1/2 छोटा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे और इन सबको हम क्रैकल होने देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम 1 छोटा टुकड़ा बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और 3 हरी मिर्च को हमने इस तरीके से स्लाइस में काट के ले लिया है और इसी में हम थोड़ा सा हींग डाल देंगे और इसी में 1 छोटा चम्मच रेडीमेड अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप उसे भी डाल सकते हो।
तो यहाँ पे सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पे प्याज सॉफ्ट हो चुका है, तो अब हमने जितने बैंगन तैयार करके रखा है उसे हम डाल देंगे एक एक करके। और जो इसमें बच गया था मसाला उसे हम इसके ऊपर से डाल देंगे इस तरीके से। अब हम इसे तेल में इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसे हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। ढक के इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। तो दोस्तों इसमें हम कोई और भी मसाला नहीं डालेंगे, हमने यहाँ पे जो मसाला डाला है उतना ही इसमें डालेंगे। तो दोस्तों इस बैंगन को अब हम तेल छूटने तक भून लेंगे। तो दोस्तों इसे हम और 2 मिनट तक ढक के पका लेंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बैंगन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो बैंगन में से तेल निकल गया है, तो इसे हमें तेल छूटते तक पहले भून लेना है। और एक बार हम इसे एकदम अच्छी तरह से चला लेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से बैंगन बनाते हो तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब हम इसमें 1 कप गरम गरम पानी डालेंगे, इससे इसका कुकिंग प्रोसेस रुकता नहीं है, चालू रहता है। तो इसमें आप 1 कप गरम पानी डाल दें, और गरम पानी डालने से दोस्तों इसका कलर भी अच्छा सा बना रहता है। इसे हम मीडियम आंच पे, तो इसमें थोड़ा सा बॉईल आ जाएगा, उसके बाद हम इसमें ढक्कन लगा के मीडियम आंच पे 1 सीटी लगा लेंगे। तो दोस्तों अब हम बैंगन को चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हो तो यहाँ पे बैंगन में बॉईल आने लगा है। तो अब हम इसका ढक्कन लगा लेंगे, 1 सीटी आने तक पका लेंगे, और इसे हम मीडियम आंच पे रख देंगे। तो दोस्तों अब हम बैंगन को चेक कर लेते हैं। दोस्तों बैंगन को हमने 1 सीटी आने तक ही पकाया है। तो देख सकते हो दोस्तों ग्रेवी का कलर भी कितना प्यारा आया है। तो अब हम इसे 1 प्लेट में निकाल लेंगे। तो दोस्तों इसे हम 1 प्लेट में सर्व कर लेते हैं। एकदम टेस्टी सा बनने वाला बैंगन भरवा तुरंत बनके तैयार हो जाता है। तो आप इस तरीके से बैंगन भरवा बना के खा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे बैंगन भरवा मसाला बनके तैयार हो गया है। इसे हरी धनिया पत्ती से गार्निश कर लेंगे। तो दोस्तों एकदम यमी सी मज़ेदार सी कुकर में बनने वाला ये बैंगन भरवा मसाला बहुत ही टेस्टी लगता है, और ये कम समय में बनके तैयार हो जाता है। इसे आप गर्मा गर्म चावल दाल रोटी के साथ खा सकते हो, पूड़ी के साथ खा सकते हो। अगर आपके पास टाइम ना हो तो इस तरीके से आप बैंगन भरवा बना सकते हो, और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। तो एक बार आप मेरे तरीके से मसालेदार बैंगन भरवा की सब्जी जरूर बनाकर ट्राई करें। अगर पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।